लॉर्ड्स टेस्ट में मिली हार के बाद भारतीय कप्तान विराट कोहली ने मीडिया से बातचीत में गलतियां नहीं दोहराने का वादा किया है। उन्होंने शानदार खेल के लिए इंग्लैंड की तारीफ की और कहा कि भारतीय टीम को कई क्षेत्रों में सुधार करना होगा। भारतीय कप्तान ने खास तौर पर बल्लेबाजी आक्रमण में सुधार की बात कही है। बता दें कि लॉर्ड्स की दोनों पारियों में भारतीय बल्लेबाज पूरी तरह से नाकाम रहे और कोई खिलाड़ी 50 रन भी नहीं बना सके। दोनों पारी में सर्वाधिक व्यक्तिगत रन ऑफ स्पिनर और अश्विन 29-33 रन बनाए। टेस्ट और वनडे दोनों में आईसीसी रैंकिंग में टॉपर काबिज कोहली ने कहा, देश के लिए खेलना सम्मान की बात है और हमने पिछले दो मैच में जैसा खेला है उसे बेहतर खेल दिखाना ही होगा। भारतीय कप्तान ने कहा, जब तक आप अपनी कमियों को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आप सुधार नहीं कर सकते हैं। हमने जो गलतियां की हैं हमें उन्हें स्वीकार होगा और उन्हें सुधार कर फिर से नहीं दोहराने का संकल्प लेना होगा। कोहली ने इंग्लैंड के खेल की तारीफ की और कहा कि जीत का पूरा क्रेडिट इंग्लिश टीम को जाता है। उन्होंने कहा, इंग्लैंड की टीम ने गेंद बल्ले और क्षेत्र रक्षण तीनों ही क्षेत्र में बहुत अच्छा खेल दिखाया, वह जीत के वाकई हकदार थे। बर्मिंगम टेस्ट में कोहली ने इंग्लैंड में अपना पहला शतक लगाया, हालांकि लॉर्ड्स में वह करिश्मा नहीं दोहरा पाए और सस्ते में आउट हो गए। दूसरे टेस्ट में वह कमर दर्द से भी परेशान नजर आ रहे थे। कोहली ने अपनी फिटनेस को लेकर चल रही चर्चा पर कहा कि वह तीसरे टेस्ट से पहले पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स डेस्क की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।